हेलो गाइस, वेलकम टू सीएचडी। माय सेल्फ चेतन सिंह भी। आज हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट। चलो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट का। देखो कैसे 2x2 के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है। 2x2 मीन्स टू रोज टू कॉलम्स। टू रोज देखो, टू रोज है ना, रो वन रो टू और टू कॉलम्स ना, C1 C2। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज रहता है, वर्टिकल कॉलम होता है। ओके चलो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैसा था देखो, कैसे कैलकुलेट करने का। ये और ये मल्टीप्लाई करो, a1 × b2 - b1 × a2। सिंपल, a1 × b2 - b1 × a2। ठीक है, ये 2x2, हाँ 3x3 आया। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स रहेगा, 3 × 3 = 9। और ये रो, ये कॉलम, 3 रोज ना, ये रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, हाँ तो चलो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो। बता तो यहाँ पे ना मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए एक अलग से बनाया भी। देखो देखो, फर्स्ट ना ये एलिमेंट लो, a1 लो, ठीक है, हाँ फिर b1 लो, फिर c1 लो। हाँ अभी ऑल्टरनेट रहेगा, प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। अच्छा, ए वन के साथ देखो क्या निगलेक्ट करने का, रिस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। तो इसका रो क्या है, ये वाला ना पूरा, और कॉलम क्या है, ये। ठीक है, तो ए वन का रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को निगलेक्ट करो, इसका डिटरमिनेंट बनाओ। ठीक है, और वो सिंप्लीफाई करो। देखो फिर किया है, a1 b2 c3 - c2 b3। ठीक है, हाँ सेम, बी वन क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस ना, तो बी वन माइनस आएगा। अब B1 के लिए देखो कैसा आएगा, रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को निगलेक्ट करो, तो क्या आएगा, a2 c2 a3 c3 a2 c2 a3 c3, फिर मल्टीप्लाई a2 c3 - a3 c2 या c2 a3। ठीक है, देन वही ऑल्टरनेट ना, प्लस माइनस प्लस प्लस c1, थर्ड एलिमेंट c1। हाँ तो c1 के साथ क्या आएगा, क्या निगलेक्ट करना है मेरे को, फर्स्ट और थर्ड कॉलम ना, उसके रिस्पेक्टिव रो और कॉलम निगलेक्ट किया, तो क्या आएगा, a2 b2 a3 b3। हाँ कैलकुलेट करो, a2 × b3 - b2 × a3। ठीक है, हाँ फिर सिंप्लीफाई करके आप कोई भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइस, इतना ही था। चलो अभी पार्ट टू पे जाते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।